गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। हादसे में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। रविवार 30 अक्टूबर को हुए ब्रिज हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 177 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत और बचाव काम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं ब्रिज बनाने वाली कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अपने ख्याल से कि गई काले खूब कई प्रकार की घटना बनेली थी। पुलिस और वहीवटी तंत्र पूरा अधिकारी श्री तमाम माननीय मुख्यमंत्री श्री माननीय गृहमंत्री श्री द्वारा तमाम दिवस ने रात्रि दरमियान आखा विस्तार में यहाँ जाते थे हाजिर रही અને તમામ જે રાહત બચાવની કામગીરી છે એની સમીક્ષા કરવામાં આવેલી છે અને ખૂબ જ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવેલું છે। એ અનુસંધાને તમામ પ્રકારની જે એજન્સીઓ છે, જે NDRF હોય, કોસ્ટગાર્ડ્સ હોય, નેવી હોય, એરફોર્સ હોય, આર્મી, પોલીસ, એ તમામ એજન્સીઓ અત્યારે યુદ્ધના ધોરણે લગભગ છેલ્લા 7-8 કલાકથી તમામ પ્રકારના બચાવની કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે અને તમામ વિસ્તારોમાં જે શક્યતા હોય તમામ વિસ્તારોમાં આ તમામ ટીમો દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। સાથે સાથે જે અમારી જે આ કેસમાં આખી જે FIR દાખલ કરવામાં આવેલી છે એ FIR અનુસંધાને પોલીસ દ્વારા કડક પગલાં લેવામાં આવેલા છે અને આખી ટીમ અમારી જે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ છે એની રચના કરવામાં આવેલી છે અને એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડવામાં નહીં આવે। સરકાર દ્વારા ખૂબ જ ગંભીરતાથી પગલાં લઈ આ તમામ પ્રકારની જે પ્રક્રિયા છે એના લોજિકલ એન્ડ સુધી પહોંચે એ માટે પણ અમારા પ્રયાસ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં હોય। આ તમામ પ્રકારના જે સ્ટેક હોલ્ડર્સ હતા, જે લોકો કામગીરીમાં સામેલ હતા, એજન્સીઓ હતી, એ તમામના વિરુદ્ધમાં પોલીસ તપાસ કરશે અને જે નામ ખુલશે એ તમામ અભી તક મોટા આંકડા અમારા 141 પહોંચ્યા છે। 141 लोगों का दुखद अवसान हुआ है, साथ साथ दो लोग अभी भी मिसिंग है जिनके लिए पूरी वहीवटी तंत्र तमाम प्रकार की एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं और टुका मतलब कुछ समय के अंदर ही तात्कालिक हम लोग जो मिसिंग व्यक्ति हैं जैसे दिन निकल जाता है तो हम इरादे की कामगिरी और लार्ज स्केल पर चालू करेंगे ताकि दो मिसिंग को हम लोग ढूंढ पाए। सर, नगर पालिका के चीफ ऑफिसर ने कहा कि ये ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं था, बावजूद 400-500 लोग निकले उसमें खबर है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, सामने तो देख रहा था कि 100 साल पुराना एक सस्पेंशन ब्रिज का रिपेयर, संचालन और रखरखाव का काम आपने एक ऐसी कंपनी को दिया जो CFL बल्ब बनाती है, मच्छर मारने के रैकेट बनाती है और दीवार की घड़ी बनाती है। सवाल सबसे पहला ये उसको क्यों दिया? नंबर दो, फिटनेस सर्टिफिकेट था। नंबर तीन, जिस पुल पर 100 लोग आने चाहिए वहां 500 लोग आए, प्रशासन क्या कर रहा था? नंबर चार, अर्बन डेवलपमेंट विभाग जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है इस राज्य में, कौन है वो मंत्री, इसकी जिम्मेदारी है? 200 से अधिक लोग मारे जाएं और आप कहें साहब इंतजार कीजिए अभी और लाशें गिने, माफ कीजिएगा और लाशें गुजरात गिनने को तैयार नहीं है, आप समझ नहीं ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार की तरफ से भी पीड़ित परिवारों को 6-6 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है।
इस कर्तव्य पद की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है।